नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 14th ऑफ मार्च और इस डिस्कशन में हम लोग डेली न्यूज़पेपर के जो करेंट अफेयर्स होते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अभी लास्ट में हम लोगों ने कुछ दिन तक डिस्कशन नहीं किया था जिसमें 11th मार्च, 12th मार्च एंड 9th मार्च था। तो कल हम लोगों ने 11th और 13th मार्च को डिस्कस किया था, आज 12th और 14th मार्च को डिस्कस कर रहे हैं। और जो कल का वीडियो होगा उसमें हम लोग 15th मार्च और 9 मार्च के वीडियो को देखेंगे, 9 मार्च के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे उसके लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विथ रेफरेंस टू द निधि कंपनीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निधि कंपनी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट है कि ये एक नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनीज है एक तरह से। दूसरा है, दीज आर रेगुलेटेड बाई द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ये जो है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करता है। एंड थर्ड है, दीज डील्स विद देयर शेयर होल्डर मेंबर ओनली। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर 1 एंड 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 एंड 3। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 एंड 3, क्योंकि इसको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है बल्कि RBI द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, जो निधि कंपनीज है वो म्यूचुअल बेनिफिट के प्रिंसिपल पे काम करता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के अंतर्गत ये आता है। ये जो है कंपनी रजिस्टर्ड है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत, और RBI इसके लिए डायरेक्टिव इशू करती है। कुछ अगर किसी को छूट देना है या इसको छूट देना है, RBI के दिशा निर्देश जो है उससे अगर छूट देना है तो उसके लिए भी निर्देश जारी करती है RBI, और इसको रेगुलेट करने का काम भी RBI करती है। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट बी जो है वो गलत है, स्टेटमेंट नंबर दो, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 3। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, फास्ट ब्रीडिंग रिएक्टर जेनरेट मोर फिजल मटेरियल दैन कंज्यूम। सेकेंड है, ए प्रोटोटाइप बीस्ट ब्रीडर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज बिंग कंस्ट्रक्टेड इन कलपक्कम। तो एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो तमिलनाडु कलपक्कम में बनाया जा रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शंस आर 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2 एंड इन इधर 1 नॉट 2। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी तमिलनाडु के कलपक्कम में बनाया जा रहा है, और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है ये ज़्यादा फिसल जनरेट करता है जितना ये कंज्यूम करता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर रिगार्डिंग मिथेनोट्रॉप्स। तो मिथेनोट्रॉप्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। जो पहला स्टेटमेंट है वो है कि मिथेनोट्रॉप्स जो है वो रिड्यूस करता है मीथेन के इमिशन को, बिल्कुल सही है क्योंकि मीथेन को ये कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, दूसरा है, मेथनोट्रॉप्स कैन बी कन्वर्टेड टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट सच एज सिंगल सेल प्रोटीन बायोडीजल। मेथनोट्रॉप्स को जो है कन्वर्ट करता है बहुत सारे प्रोडक्ट को, जैसे सिंगल सेल प्रोटीन में, बायोडीजल में। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर ए, 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, ये मिथेनोट्रॉप्स जो है वो एक कन्वर्ट करता है मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में, और इसे इनेबल करता है वातावरण में जो मीथेन का इमिशन होता है उसको कम करता है राइस प्लांट से। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो राइस प्लांट होता है वो जो धान पौधे की जड़ होती है या रूट्स होते हैं वहाँ से मीथेन का इमिशन होता है, तो उसको ये कम करता है। जो बायोमीथेन है वो जेनरेट होता है वेस्ट से, और मिथेनोट्रॉप्स को कन्वर्ट किया जा सकता है सिंगल सेल प्रोटीन, बायोडीजल और बहुत सारी चीज़ों में। फोर्थ क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर डील विद द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ हीनियस क्राइम। जो क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर है वो डील करता है इंफॉर्मेशन के शेयरिंग के, अगर कोई हीनियस क्राइम है तो उसके इंफॉर्मेशन को ये पुलिस एक स्टेट के पुलिस से दूसरे स्टेट के पुलिस के बीच में ये शेयर करता है। ठीक है, सेकेंड है, NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इज अ बॉडी सेट अप अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एक बॉडी है जिसको सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत। एंड थर्ड है, NCRB ब्रिंग द एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 3 ओनली, क्योंकि ये जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इसके बाद देख सकते हैं कि जो ये क्राइम
मल्टी एजेंसी सेंटर है, ये शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे पुलिस डिपार्टमेंट या पुलिस फोर्सेस जो होते हैं उनके बीच में, और हीनियस क्राइम जो होता है उसके रिपोर्ट को ये शेयर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित में से किन देशों को टैक्स हेवन के रूप में ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो यूरोपियन यूनियन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन इन टैक्स हेवन कंट्रीज एज ब्लैक लिस्टेड बाई यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोप से कौन कौन है? पनामा, सेशल्स, तुर्की एंड कोमन आइलैंड। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है ये जो है सही है। योर ऑप्शंस आर ए 1, 2 एंड 3 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, 1, 2 एंड 4 ओनली, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4 ओनली। ठीक, जो तुर्की है इसको अभी इन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया है टैक्स हेवन के रूप में, बल्कि इसको अभी गाइडेंस दिया है कि आप जो है इसमें सुधार कीजिए। ठीक है, नहीं तो इनको भी ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। सिक्स क्वेश्चन है, जो पोंगला महोत्सव है, पोंगला महोत्सव के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसका जो आयोजन होता है इसको जहाँ तमिलनाडु के अट्टुकल भगवती मंदिर में इसको आयोजित किया जाता है। सेकेंड है, ये त्यौहार जो है इसमें महिलाओं की पार्टिसिपेशन में एक बहुत बड़ी सभा होती है, और यह उत्सव मलयालम महीने के मकरम कुम्भम में शुरू होता है, स्टार्टिंग टाइम है इसका। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 एंड 3 ओनली। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली, क्योंकि इसको इसका आयोजन जो है तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सेवेंथ क्वेश्चन है वो है, सोनेरीला सुल्फेई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए, यानी आपको बताना है कि सोनेरीला सुल्फाई के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, यह जो है केरल के वायनाड में थोलई राम फॉरेस्ट एरिया का एक तितली का जो है स्पीसीज है। सेकंड है, इस प्रजाति का जो नाम है, इस स्पीसीज का नाम M.M. सुल्फे के नाम पर दिया गया था, जो एक इन्वायरमेंटलिस्ट है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 एंड 2 एंड डी नीदर 1 नॉर 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना माइक्रो लेवल पर जाकर क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए, ये जो है बोला गया कि तितली की प्रजाति है, ये तितली की प्रजाति नहीं है बल्कि एक पौधे की या एक प्लांट की प्रजाति है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैंने शामिल कर लिया आज के क्वेश्चन में। जो 8th क्वेश्चन है वो है, विंग्स इंडिया 2020 एग्जीबिशन इज ऑर्गेनाइज बाई। तो विंग्स इंडिया 2020 एग्जीबिशन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? योर ऑप्शंस आर ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ये 3 डे जो है एग्जीबिशन था जिसको हैदराबाद में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको सिविल एविएशन अथॉरिटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सिविल एविएशन फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की, यानी AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और प्लस फिक्की, इन तीनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल क्राइम टाइम ट्रेनिंग सेंटर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नेशनल क्राइम साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर यानी NCTC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज मेंट फॉर प्रोफेशनल क्वालिटी ई लर्निंग सर्विस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑन लार्ज स्केल टू पुलिस ऑफिसर, जज, प्रोसिक्यूटर एंड अदर स्टेक होल्डर। ठीक है, तो ये जो है एक प्रोफेशनल क्वालिटी ई लर्निंग सर्विस सेंटर है जिसमें क्राइम को इन्वेस्टिगेट करेगा तथा लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा पुलिस ऑफिसर को, जज को, प्रोसिक्यूटर्स को और अदर स्टेक होल्डर को। सेकेंड है, इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, तो ये होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर 1 ओनली 2 ओनली बोथ 1 एंड 2 एंड डी नीदर 1 नॉट 2। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली, क्योंकि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत नहीं आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ेशन है, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा बल्कि ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, जो 10th क्वेश्चन है, व्हाट इज डिलीरियम रिसेंटली सीन इन न्यूज, तो डिलीरियम क्या है जो हाल फिलहाल में न्यूज में देखा गया है? योर ऑप्शंस आर ए एक्यूट ब्रेन फेलियर, बी न्यू मिनरल, सी मून ऑफ सैटर्न एंड डी नन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट ब्रेन फेलियर। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक्यूट ब्रेन फेलियर।
11th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ओपेक के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, द नॉन ओपेक कंट्रीज विच एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल एज टर्म एज ओपेक प्लस कंट्रीज। जो नॉन ओपेक कंट्री हैं और वो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करते हैं उसको ओपेक प्लस कंट्री के रूप में बताया जाता है। सेकेंड है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट एट बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960। जो ओपेक है इसको एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको क्रिएट किया गया था 1960 के कॉन्फ्रेंस में। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू। अब एक बार जो है इसकी कहानी को समझ लेते हैं कि क्या बात है। तो सब अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि कुछ दिन पहले तक जब तेल के दाम में 30% की गिरावट हो गई थी या 24% की गिरावट हो गई थी, क्योंकि इस दुनिया में ईरान, सऊदी अरेबिया और रसिया तीन कंट्री हैं जिनके पास बहुत सारे तेल है और ये मेजर ऑयल एक्सपोर्टर हैं। ठीक है, तो इन्होंने हाल फिलहाल में सऊदी अरेबिया और रसिया ने टाई किया था जब तेल के दाम में क्रूड ऑयल के प्राइस में कमी आई थी। तो दोनों ने मिलकर ये तय किया था कि ठीक है, हम दोनों जो है समय समय पर जो ऑयल का प्रोडक्शन है या प्रोड्यूसिंग है उसको कम करेंगे ताकि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी उपलब्धता जो है ज़्यादा मात्रा में ना हो तो और इसके प्राइस जो है ज़्यादा डिक्लाइन ना हो। दोनों ने इस पर हामी भरी थी, लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ कि कोरोना वायरस का असर हुआ और कोरोना वायरस के असर के कारण पूरी दुनिया में इन चीज़ों तेल की मांग में गिरावट आई है। ठीक है, अब तेल की मांग में गिरावट आने के बाद में सऊदी अरेबिया ने रसिया से कहा कि भैया हम लोगों ने एक सिग्नेचर किया था तो चलिए अब इसके रिकॉर्डिंग हम लोग तेल का जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन को घटा देते हैं। तो सऊदी अरेबिया ने तो घटाया लेकिन रसिया ने बोला कि ना भैया हम तो ना घटाएंगे। ठीक है, और रसिया ने पहले की तरह ही तेल का उत्पादन करता रहा और उसको एक्सपोर्ट करते रहा। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये चर्चा में था। तो रसिया क्या है, रसिया जो है ओपेक का पार्ट नहीं है। कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 13 कंट्रीज है जो ओपेक में पार्टिसिपेट है, जिसमें एशिया से कौन कौन से हैं, कतर, बहरीन, इसके बाद सऊदी अरेबिया, इसके बाद में फिर जो थे दक्षिण अफ्रीका से थे वेनेजुएला। ठीक है, इसी तरीके से 13 कंट्री थे और अफ्रीकन कंटिनेंट से भी कुछ देश थे। और ओपेक प्लस में कौन कौन से आते हैं, ओपेक प्लस में आते हैं रसिया, अजरबैजान, इसके बाद में आता है तुर्कमेनिस्तान और कुछ और कंट्री है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द मल न्यूट्रिशन अमोंग वीमेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का डाटा आया था, इसी में ये बताया गया है महिलाओं में कि कितनी महिलाएं जो है वो मल न्यूट्रिशन का शिकार है यानी कुपोषण का शिकार है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द NFHS 4, 22.9% वीमेन इन इंडिया आर अंडरवेंट। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 22.9% जो महिलाएं हैं जो 15 ईयर्स लेकर के 49 ईयर्स उम्र की है वो अंडरवेट है भारत में। सेकेंड है, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, स्टेट हैविंग हाईएस्ट परसेंट ऑफ मल न्यूट्रिशन एमोंग वुमेन इज उड़ीसा। तो उड़ीसा जो है अगर कोई किसी भी स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा मल न्यूट्रिशन है महिलाओं में तो वो स्टेट है उड़ीसा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। जो 5 स्टेट और यूटीज हैं जिसमें हाई परसेंटेज है मल न्यूट्रिशन का महिलाओं में वो है झारखंड में सबसे ज़्यादा है, आफ्टर डेट बिहार, फिर दादरा एंड नगर हवेली, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट जो है उसने इन समस्याओं से निपटने के लिए, महिलाओं में जो ये समस्या है इससे निपटने के लिए कुछ स्कीम लाई है, जिसमें एडोलेसेंट गर्ल के लिए भी स्कीम है, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, पोषण अभियान है, आंगनवाड़ी केंद्र है जिसको ICDS के अंतर्गत इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म रिपोर्ट ऑन पॉलिटिकल फंडिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर एक ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, तो इसने अपना एक रिपोर्ट जारी किया उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट है, एज मच ऑफ 67% ऑफ डोनेटर टू नेशनल पार्टीज इन 2018-19 केम फ्रॉम अननोन सोर्सेज
एन इंक्रीज फ्रॉम 53 इन द प्रीवियस फिनेंशियल ईयर सेड टू ए रिपोर्ट रिलीज बाई एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। तो ADR ने कहा है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 67% जो फंडिंग मिली है वो अननोन सोर्स से मिली। अगर मान लीजिए जैसे कि 100 करोड़ फंडिंग मिली, तो 100 करोड़ फंडिंग में से 67 करोड़ जो है वो अननोन सोर्सेज थे हैं। इनमें जो पिछले प्रीवियस फिनेंशियल ईयर में 53% था, अब ये बढ़ करके 67% हो गया है। सेकेंड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड अकाउंट फॉर 78% ऑफ दैट मीन्स 2,502.98 करोड़ इनकम जो है वो अननोन सोर्स से हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो आय हुआ है या इनकम हुआ है उसका 78% जो है वो अननोन सोर्स से हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, बोथ 1 and 2 एंड इन इधर 1 or 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। जो ADR है उसने अपने जो रिपोर्ट पेश किए हैं उसमें BJP, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी एंड बहुजन समाजवादी पार्टी, यानी जो ये 7 नेशनल पार्टीज हैं, हालांकि अभी 8 हो गए हैं, NPP जो मेघालय की एक पार्टी है मतलब कि वहाँ पर है, तो वो भी अब इसमें जुड़ गई है। तो ADR ने इन सब के टैक्स जो रिफॉर्म है या टैक्स रिटर्न है सॉरी, उसके आधार पर एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें कहा है कि जो टोटल पार्टी सभी पार्टियों को जो टोटल इनकम हुआ है वो हुआ है 37,749 करोड़, और इसमें से 951.66 करोड़ जो है वो सिर्फ नॉन डोनर से दिया गया है, बाकी सब जो है वो अननोन सोर्स से आए हैं, और ये 64% बनता है। इसमें से भी 64% जो है जो अननोन सोर्सेज से आए हैं उसमें BJP को मिला है, और 29% जो है वो कांग्रेस को मिला है। जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड है उसमें उसके यानी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जितने भी, जैसे मान लेते हैं कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के थ्रू अगर 300 करोड़ रुपीस चंदा मिला है, ठीक है, तो इसमें से जो अननोन सोर्स से मिले हैं वो 78% अननोन सोर्स से मिले हैं, यानी 234 करोड़ के आसपास जो है वो अननोन सोर्स से मिले हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद है कि अब इसमें क्या आता है कि अगर किसी भी पार्टी को 20,000 से ऊपर का डोनेशन आता है तो उसको इसके बारे में जानकारी देनी पड़ती है, जबकि 20,000 से अगर कम रुपीज की डोनेशन आए हैं तो इसके बारे में जानकारी नहीं देनी पड़ती है। और RTI ने कहा है कि सभी पार्टियों के जो चंदे आते हैं या डोनेशन आते हैं उसको RTI के अंतर्गत लाना चाहिए। ठीक, आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू द राइट टू रिसीव फॉरेन फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फॉरेन फंड को रिसीव करने के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली हेल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ब्रांड वन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एंड डिप्राइव इट ऑफ इट्स राइट टू रिसीव फॉरेन फंड फॉर यूजिंग लीजिटिमेट फ्रॉम अ डिसेंट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है कि केंद्र सरकार जो है वो किसी भी संस्था को पॉलिटिकल पार्टी के रूप में दर्जा दे सकती है या उसको डिप्राइव कर सकती है, फॉरेन फंड को उसके रोक सकती है अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी जैसे हड़ताल, बंद, रोको, इन सब में जुड़ा हुआ है तो। ठीक है, सेकंड है, सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 FCRA गिव्स द यूनियन गवर्नमेंट अनचेक एंड अनब्राइडल्ड पावर टू डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड बींग वन ऑफ पॉलिटिकल नेचर एंड डिनाई टू एक्सेस टू फंड फ्रॉम सोर्स अब्रॉड। यानी सेक्शन 5 जो है FCRA 2010 का वो इंडियन गवर्नमेंट को अनचेक्ड और अनब्रिडल पावर देता है कि वो किसी भी संस्था के फॉरेन फंडिंग को रोक सकता है, पॉलिटिकल नेचर को रोक सकता है। ठीक है, तो या पॉलिटिकल नेचर उसको प्रोवाइड कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर 1 only, 2 only, both 1 and 2 एंड इन ईदर 1 or 2। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 only। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, यहाँ पर कैन की जगह पे कैन नॉट आएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर जो है वो अनचेक्ड एंड अनब्रिडल्ड पावर नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब मन करे तब पॉलिटिकल पार्टी कर दे या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दे और जब मन करे उसको डिप्राइव कर दे उसके राइट्स से। ठीक है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जैसे हड़ताल, बहुत ज़्यादा हड़ताल हो रहे हैं, बंद हो रहा है या जाम हो रहे हैं, तो इन सब के रिगार्डिंग ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इन सब के आधार पर किसी को उसके पॉलिटिकल फंडिंग से वंचित नहीं किया जा सकता है। 15 क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज, सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज विल हैव टू कंपल्सरली
प्रोवाइड बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल बैग इन द पैकेज फ्रॉम जनवरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जनवरी नेक्स्ट ईयर से यानी 2021 से जो सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली कंपनी है उसको बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजल बैग भी देना होगा, ताकि उसमें डाल करके सैनिटरी नैपकिन को जो है वो फेंका जा सके, ठीक है। सेकेंड है, सैनिटरी नैपकिन आर क्लासिफाइड एज मेडिकल प्रोडक्ट, देयर बाई कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड बाई लॉ टू डिस्क्लोज व्हाट गोज इनटू देयर मार्केट मेकिंग ऑन प्रोडक्ट पैक, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड इन इधर वन नॉट टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। 16th क्वेश्चन है कि हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है नेटवर्क ऑफ वीमेन इन मीडिया में सेक्सुअल हरासमेंट जो वर्क प्लेस पर होते हैं उसके रिगार्डिंग, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये सर्वे कहता है कि 36% महिलाएं वैसे हैं जिनके जो अगर सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पर अनुभव करती हैं तो वो रिस्पॉन्ड करती हैं और रिपोर्ट करती हैं, ठीक है, जबकि 53% महिलाएं इसकी रिपोर्टिंग ही नहीं करती है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शन आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड डी नीदर वन नॉट टू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट सही है। 17th क्वेश्चन है कि PhD प्रोग्राम जो है यानी विथ रेफरेंस टू द डाटा प्रेजेंटेड इन राज्यसभा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट इनरोल्ड इन PhD प्रोग्राम इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2015-19 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो IIT में PhD जिन बच्चों ने किया उसके रिगार्डिंग यानी 2015-19 के बीच में उसके रिगार्डिंग है SC/ST के आंकड़े को लेकर के। पहला स्टेटमेंट है कि टोटल जो है 25,007 बच्चों ने PhD के लिए एडमिशन कराया 23 IIT में 5 साल के लिए, ठीक है, जिनमें से सिर्फ 9.1% जो थे वो SC कम्युनिटीज से थे और 2.1% जो थे वो ST कम्युनिटीज से थे। सेकेंड स्टेटमेंट है कि जो OBC क्लासेस है वो 23.3% ही स्टूडेंट थे जिन्होंने इनरोल कराया PhD के लिए, जो 27% रिजर्वेशन मैंडेट है उससे भी कम है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? योर ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड इन इधर वन नॉट टू। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू, दोनों स्टेटमेंट सही है। 18th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप लिस्ट इन साइट कंटेमिनेटेड बाई टॉक्सिक एंड हजार्डस सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू मार्च अपडेट बाई CPCB। तो CPCB के हिसाब से कौन सा स्टेट जो है वो कंटेमिनेटेड और टॉक्सिक हजार्डस सब्सटेंस ज़्यादा है वहाँ पर, तो आपको बताना है। योर ऑप्शंस आर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल। मतलब देश में टोटल जो है 180 के आसपास साइट जो है वो कंटेमिनेटेड है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो तकरीबन 65 से लेकर के 70 तक साइट जो है वो वेस्ट बंगाल में है, इसके बाद में 52 के आसपास जो साइट है वो उड़ीसा में है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लियरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महुआ या महुका इंडिका इज प्रोमिनेंट फॉरेस्ट ट्री इन विच ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो महुआ का जो पेड़ है वो किस ट्राइबल एरिया में प्रोमिनेंट ट्री है, आपको ये बताना है। योर ऑप्शंस आर ए बस्तर, बी लुसाई हिल्स, सी जैंतिया हिल्स, एंड डी निकोबार आइलैंड। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ का है वहाँ का ये प्रमुख जंगली पेड़ है। तो हाल फिलहाल में जो केंद्र सरकार है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने कहा है कि अब वो एक अल्कोहलिक बीवरेज मार्केट में पहली बार सरकार के तौर से लॉन्च किया जाएगा, जिसको महुआ न्यूट्री बीवरेज कहा जाएगा, ठीक है, यानी ये पोषण युक्त पेय पदार्थ होगा। इसके 750 ml के एक बोतल की कीमत 700 रुपये होगी और ये 6 फ्रूट बेस्ड फ्लेवर में आएगा, ठीक है। इसमें जो अल्कोहल की मात्रा होगी वो 5% तक होगी, यानी बहुत कम होगी, और हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू बीवरेज होगा ये। इसको IIT दिल्ली और ट्राइफेड द्वारा यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रिसर्च करके इसको तैयार किया गया है। इसको बहुत टाइम लगा है, इसको 2 साल से ऊपर टाइम लगे हैं रिसर्च करने में, ठीक है, और ये बनाने में। ये जो मार्केटिंग है ये होगा ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत, एक आता है वन धन विकास कार्यक्रम, इसी के अंतर्गत इसको मार्केटिंग इसकी की जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि ट्राइबल वन धन विकास कार्यक्रम किसके अंतर्गत कार्य करता है, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप यू गॉट क्लियरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस आर्टिकल। प्लीज डू सब्सक्राइब, इफ यू डू लाइक, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर डिस्कशन एंड हैव अ नाइस डे।